हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे वनीला मग केक जो कि हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये कम्प्लीटली एगलेस केक है, तो एक बाउल लेना है, इसके अंदर हमको फ्लावर डालना है, उसके बाद हमें कैस्टर शुगर डालना है, फिर हमें बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, आप चाहें तो बेकिंग पाउडर ही ले सकते हैं 1 ग्राम टोटल। फिर इन सबको मिक्स करना है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि बटर जो हमने मेल्ट किया हुआ है इसको हम डालेंगे। उसके बाद हमें मिल्क डालना है, नॉर्मल मिल्क है, और वनीला एसेंस। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट डलेगा वो डलेगा मिल्कमेड। ये जो है हमने कंडेंस मिल्क लिया हुआ है, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है विनेगर, जो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। विनेगर डालने का मेन पर्पस क्या होता है कि जब विनेगर सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें अच्छे से वो फ्लफीनेस आता है, सॉफ्टनेस आता है अपने केक में। ये केक हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे रेमिकिन के अंदर। आप चाहें तो इसको नॉर्मल जो टी कप होता है, चाय जिसमें पीते हैं, उस कप में भी बना सकते हैं। तो देखिए बैटर की जो है पोरिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर इसमें और मिल्क ऐड कर सकते हैं, बैटर थिक है तो आप थोड़ा और मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको रेमिकिन में डालेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फुल नहीं फिल करना है इसको, सिर्फ हाफ फिल करना है। ये कम्प्लीटली एगलेस रेसिपी है। और इसके बाद हम इसको माइक्रोवेव में डालेंगे। आपको 800 वाट पे हमने सेट किया है फॉर 90 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप चाहें तो 1 मिनट बाद या 60 सेकेंड बाद इसको चेक कर सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है वनीला केक। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, और आप घर में चाहें जब मर्जी आप चाहें इसको बना सकते हैं। देखिए हमारा टूथपिक ही क्लीन आया है, तो उससे ये पता चलता है कि हमारा ये डन हो गया है। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे, तो इसे आइसिंग शुगर हमें डस्ट करना है ऊपर से, और थोड़ा सा हम चाहें तो स्प्रिंकल शुगर बॉल्स कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।